नमस्कार, मैं अमृता पांडे, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। बिहार सरकार बीपीएससी के माध्यम से 2,17,000 नौकरियां देने का और बिहार में इतिहास रचने का दावा कर रही है। इस दावे को सुशील कुमार मोदी ने खारिज करते हुए बिहार सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग कर दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिहार सरकार 17 महीने में किस विभाग में कितनी नौकरियां दी है, इसकी जानकारी सभी को देना चाहिए बिहार सरकार को। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि बीपीएससी के माध्यम से जो भी परीक्षाएं हुई हैं उसमें लगभग एक लाख लोगों को ही रोजगार दिया गया है। बाकी 1 लाख जो लोग हैं उसमें 50,000 दूसरे राज्य के लोग हैं और 50,000 ऐसे शिक्षक हैं जो पहले से ही नियोजित शिक्षक थे। भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सरकार 2,17,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने का दावा कर रही है, जबकि अधिकतम 1 लाख नए शिक्षकों की बहाली हुई है। 50,000 शिक्षक बिहारी नहीं है, वही 50,000 ऐसे शिक्षक हैं जो पहले से नियोजित शिक्षक थे, उन्हें ही दोबारा से नियुक्ति पत्र दिया गया है। बिहार की भाजपा जदयू गठबंधन सरकार ने सबसे पहले सबसे ज्यादा 3,05,000 शिक्षकों की नियुक्ति की थी, लेकिन तब उसने न कोई बड़बोला दावा किया था न सामूहिक फोटो सेशन कराया था। उन्होंने कहा कि जो सरकार कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने वाली थी, उसका 17 महीने बाद 3.6 यानी कि 3,06,000 नौकरी और 5 लाख रोजगार देने का दावा गलत है। इस मामले पर सरकार को पूरा विवरण जारी करना चाहिए। तो आपको बता दें कि बिहार सरकार बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति करा रही है और एक बड़ा रोजगार देकर बिहार में इतिहास रचने की बात कर रही है। वहीं भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने इस दावे को गलत साबित करते हुए कहा है कि अगर सरकार सही में 2,17,000 नए रोजगार दिए हैं तो इसका श्वेत पत्र जारी करे और सभी को बताए कि कौन से विभाग में कितनी नौकरियां दी गई है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जब बिहार में एनडीए और जदयू की सरकार थी, उस वक्त 3 लाख से अधिक शिक्षकों को नौकरी दिया गया, तब हम लोगों ने बड़ा दावा नहीं किया था, बड़े बड़े बोल नहीं बोले थे और ना ही हम लोगों ने फोटो सेशन किया था। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए द विहार टॉप को फॉलो करें। धन्यवाद।